इसको रूट ऑफ 7 7 का वर्गमूल कैसे निकालें बहुत आसान तरीके से सीखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम मेथड काम में ले रहे हैं आपका भाग विधि यानी लॉन्ग डिवीजन मेथड। इस मेथड में क्या करना है हम ध्यान से समझते हैं। ये आपका एक अंक की संख्या यानी सिंगल डिजिट नंबर है, तो इसके लिए हम एक ऐसी संख्या का चुनाव करेंगे पहला स्टेप, जिसका खुद के साथ गुणा करने पर जो संख्या आ रही है, जैसे 2 गुणा 2 किया कितना आ रहा है 4, ये लेस देन क्या रहना चाहिए यानी 7 से छोटी या 7 के बराबर रहनी चाहिए। ठीक है, लेस देन 7 और इक्वल टू 7 की कंडीशन को चेक करना है। अब देखिए हम 2 से 1 बड़ी संख्या लेकर देखते हैं कि इसको 3 को 3 गुणा 3 किया कितना आ रहा है 9। आप देख सकते हैं 9 7 से बड़ा है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, किसको लेंगे 2 गुणा 2 को। 2 गुणा 2 को यहाँ पर हम इस प्रकार से लिख देंगे, इनका गुणा कितना आ रहा है 4 आ रहा है। ठीक है, फिर हम इसको जोड़ेंगे और इसको घटाएंगे, 2 प्लस 2 कितना आ गया 4, 7 माइनस 4 कितना आ गया 3। जिस संख्या को लिया है इसको एक बार हम यहाँ पर लिख देंगे ऊपर, ये जो वैल्यू निकल रहा है ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ 7 का वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है, हम 7 को ऐसे लिख सकते हैं 0.0000। ठीक है, 2 2 0 को एक साथ अंडरलाइन कर दो, इस पॉइंट को हम यहाँ लिख देते हैं और इन 00 को यहाँ ले आते हैं, कितना बन गया 300। ओके, अब देखिए इस 4 के साथ हम ऐसा कौन सा नंबर लें और उसका मल्टीप्लाई करें कि हमें लेस देन 300 और इक्वल टू 300 मिलना चाहिए। तो देखिए 6 लेते हैं और 6 का गुणा कर देते हैं, 6 रंग 36, 3 के लिए आ गया, 6 चौक 24, 3 27, किसको लिया हमने 6 को लिया। उसके बाद फिर वही आपका माइनस प्लस करना है, कितना आ गया 52, माइनस किया कितना आ गया 24 आ गया, इन 00 को हम यहाँ लिख देते हैं। ओके, अब इसके साथ जैसे मैं दोस्तों 4 लेता हूँ और 4 का मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 चौक 16, 8 एक 9, 4 5 20, यह बन गया किसको लिया हमने अपना 4 को लिया। फिर वही आपका आगे माइनस प्लस करके इस प्रकार से आप जहाँ तक कंटिन्यू करना चाहते हैं वहाँ तक कर सकते हैं। यह जो वैल्यू निकला है 2.64, यह अंडरूट ऑफ 7 का वैल्यू है। ठीक है, इस प्रकार से बहुत आसानी से हमने अपना स्क्वायर रूट का वैल्यू निकाल लिया। अगली वीडियो में दोस्तों जल्दी फिर मिलते हैं।